नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज जीरो ऑप्शन है ओनली इफ ऑल द पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज ओनली इफ ऑल द चार्ज पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज ऑप्शन सी है ओनली इफ हाफ ऑफ द पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर हाफ आर नेगेटिवली चार्ज ऑप्शन नंबर डी है इेस्पेक्टिव ऑफ साइन ऑफ द चार्जेस सो इसका राइट आंसर होएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कई लोग स्टूडेंट्स कई स्टूडेंट्स इसमें शुरू में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है देखो इसको ऐसे समझना से फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक चार्ज है लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है प्लस uh, क्यू और ये वाला आपका माइनस क्यू चार्ज है और लेट से यहाँ पे एक और प्लस क्यू चार्ज है ये तीन चार्ज ऐसे किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे ऐसे रखे हुए जरूरी नहीं है इक्विलेट्रल ट्राइंगल हो इट कैन बी एनी डि ऑल है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से वो रिपल्सिव फोर्स में भी इस डायरेक्शन में आएगा इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा और सिमिलरली इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स इधर और इसका अट्रैक्टिव फोर्स इधर सिमिलरली इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स इधर और इसके से रिपल्सिव फोर्स इधर आएगा अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में एक चार्ज के ऊपर अगर हम फोर्सेज लिखेंगे तो इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स में भी यहाँ कहीं आ रहा होगा इसका नेट रिजल्टेंट इस फोर्स इधर आ रहा होगा लेकिन इसके फोर्सेज इसके फोर्सेज इसके फोर्सेज सबको अगर हम मिला के एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे इसके फोर्सेज प्लस इसके प्लस इसके, इसके तीनों को या जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उन सबका टोटल वो लिखेंगे नेट फोर्स वो हमेशा जीरो होएगा बिकॉज ये आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होंगे जितना फोर्स इसने लगाया उतना इस पर लगाया सो so, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे साइन इसका आई के है इसका माइनस जे के है सिमिलरली इनका तो नेट फोर्स आपका इस्पेक्टिव ऑफ जो चार्ज का साइन है उसके इर हमेशा उनका नेट सम ज़ीरो होएगा सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर